नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेट इंजन्स के बारे में, मतलब अभी हाल फिलहाल में जो भी जेट इंजन हैं वो कितने रिलायबल हैं, तो उनको लेके बात करेंगे। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो जी द्वारा बनाया गया F414 है उसको इतना रिलायबल क्यों माना जाता है, तो उसको लेके भी हम बात करेंगे। सो अगर जेट इंजन की क्वालिटी की बात करते हो तो इसको आप दो रूपों में देखते हो। पहला आपका होता है TBO या फिर MTBO, मतलब टाइम बिटवीन ओवरहॉल या फिर मीन टाइम बिटवीन ओवरहॉल। मीन्स आपके इंजन के ऑपरेट होते वक्त जो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होगी उसका टाइम क्या है, मतलब जो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है वो कितनी फ्रिक्वेंट है। और दूसरा होता है आपका टेक्निकल लाइफ, जिसका अर्थ ये होता है कि उसके पार आप इंजन को रन नहीं करा सकते हो, मतलब इस टाइम के बाद आपके इंजन को चेंज करना होता है। तो इस तरह के जो क्वालिटी है और पैरामीटर है वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। आपके इंजन को बनाते वक्त जो प्रोसेस है, इक्विपमेंट है, वो किस तरह से इस्तेमाल किए गए हैं, जो टेक्निक है वो कितनी एडवांस थी, क्योंकि अगर आप एडवांस टेक्निक डेवलप करोगे और इनकॉर्पोरेट करोगे तो कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है वो भी ऊपर जाएगी। तो एक तरफ आप कॉस्ट को कम रखने के लिए भी जो इस तरह की एडवांस टेक्निक होती है वो बहुत जगह इस्तेमाल नहीं की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीई के F404 की और F414 की। तो ये अब तक के सबसे ज़्यादा रिलायबल इंजन माने जाते हैं एक पर्टिकुलर थ्रस्ट और कॉस्ट को देखते हुए। यहाँ पे जीई के 414 की बात करते हो तो इसका जो TBO है, मतलब टाइम बिटवीन ओवरहॉल, वो पहले 2000 घंटे का था। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके एयरक्राफ्ट में लगाकर 2000 घंटे उड़ा लोगे तो आपके इस इंजन को ओवरहॉल करने की आवश्यकता पड़ेगी। और इसको बढ़ाकर नए इंजन में तकरीबन 4000 कर दिया गया है। TBO को, मतलब दो ओवरहॉल के बीच में जो टाइम है वो 4000 फ्लाइंग आवर का हो चुका है। बात करते हैं इंजन लाइफ की, यानी कि टेक्निकल लाइफ की। तो यहाँ पे जो टेक्निकल लाइफ है वो 6000 से लेके 8000 घंटे तक की हो चली है, मतलब इतने टाइम के बाद आपके इंजन को चेंज करने की आवश्यकता है। और यहाँ पे ये दोनों ही लाइफ, टेक्निकल लाइफ और ओवरहॉल, तो ओवरहॉल आमतौर पे जो भी आपके हॉट सेक्शन है, यानी कि जो टर्बाइन के सेक्शन है, वहाँ पे आवश्यकता बढ़ती है। उनकी ही जो लाइफ होती है वो कम होती है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में रहते हैं। जबकि जो आपकी 6000 से 8000 की टेक्निकल लाइफ है वो आमतौर पे जो भी कोल्ड सेक्शन है उनको देखते हुए बताया जाता है। अगले इंजन की बात करते हो तो वो है रोल्स रॉयस का EJ200। और यहाँ पे जो इसका TBO है, मेंटेनेंस के बीच में जो टाइम है, वो 2000 घंटे तक का है। जबकि जो इंजन की लाइफ है वो 6000 घंटे तक की है, मतलब जो कोल्ड सेक्शन है उसकी लाइफ है। बात करो अगर रफाल में लगे हुए M88 की, तो M88 का जो TBO है वो तकरीबन 3000 आर का है, मतलब जो ओवरहॉलिंग है वो आपको 3000 घंटे पे पड़ेगी। और जो टेक्निकल लाइफ है वो 6000 घंटे तक की है। वहीं पे उस इंजन की बात करोगे जो कि F22 में लगा हुआ है, तो वहाँ पे जो हॉट सेक्शन है उसकी लाइफ 2000 घंटे तक की है, जो कोल्ड सेक्शन है उसकी लाइफ 4000 घंटे तक की है। सभी कंपोनेंट को लगाकर वो 8600 तक की है। बात करते हो पैटर्न विटनी के ही F135 की, जो कि अमेरिकन F-35 में लगाया गया है, और ये तकरीबन 190 kN का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करता है। तो यहाँ पे जो इंजन लाइफ है वो 9000 घंटे तक की है, मतलब ये इंजन है वो काफ़ी रिलायबल है। तब इसको अमेरिका F-35 के जो भी वेरिएंट हैं वहाँ पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, स्पेशली जो आपके नेवी वेरिएंट हैं वहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि नेवी को लेके जो रिस्क होता है वो काफ़ी इन्वॉल्व होता है, और वहाँ पे मुख्यतः ट्विन इंजन जेट की रिक्वायरमेंट होती है रिस्क को देखते हुए। तो कहीं ना कहीं ये जो इंजन है F135 है काफ़ी रिलायबल है, तभी वहाँ पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जहाँ पे जो इसकी इंजन लाइफ है वो 9000 आवर्स की है। अब बात करते हो रशियन इंजन की, जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं MiG-29 और Su-30MKI में। तो MiG-29 में जो इंजन है वो RD-33 है, तो इसका जो TBO है, मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, वो 300 घंटे तक की है, और जो इंजन लाइफ है वो 1000 आर तक की है। तो आप क्लियरली देख रहे होंगे कि जो डिफरेंस है वो काफ़ी बड़ा है। मतलब जी का जब एक 414 ओवरहॉलिंग के लिए जाएगा, तब तक आपके जो मिग हैं, यानी कि MiG-29, उसके 4 इंजन चेंज हो गए होंगे, मतलब 2 एयरक्राफ्ट के जो इंजन है वो चेंज हो गए होंगे। तो क्लियरली यहाँ पर जो लाइफ है किलमोव के इंजन के वो काफ़ी कम है। हालांकि इसको अब इम्प्रूव करके 2000 घंटे कर दिया गया है, लेकिन अभी भी जो लाइफ है वो कमी है बाकियों के कंपैरिजन में। यहाँ पर जो कॉस्ट है किलमोव के इंजन की वो आपको कम पड़ती है। अगले इंजन की बात करते हो Su-30MKI में जो लगा है AL-31, तो वहाँ पे जो TBO है, यानी कि ओवरहॉल का टाइम, वो 1000 आर का है, जबकि जो इंजन की लाइफ है वो 4000 आर की है। सो यहाँ पे भी जो लाइफ है वो कुछ खास नहीं है अमेरिकन काउंटर पार्ट के कंपैरिजन में, और इसीलिए आपको देखने को मिलता है कि इस तरह के इंजन को एक बड़े नंबर में प्रोक्योर किया जाता है। सो इन सभी इंजन्स में देखते हो तो जो आपके जी के 414 हैं, F414, वो काफ़ी रिलायबल हैं। वहीं पे दूसरी तरफ भारत अपने 5th जनरेशन फाइटर AMCA के लिए एक इंजन बनाने जा रहा है, तो उसके लिए जो पार्टनर है वो हम सेलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस इंजन को बनाते वक्त इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा कि जो लाइफ है वो ऑप्टिमल रहे, और जो ओवरहॉलिंग की टाइमिंग है वो जितनी इम्प्रूव्ड रहेगी उतना वो AMCA को एडवांटेज देगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।